छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय पर नागपुर रोड पर चर्च के सामने केला और सेब का ठेला लगाने वाली संध्या वॉशिंगटन पॉलिथिन की थैलियों के स्थान पर कपड़े की थैलियां ग्राहकों को देती है और उसी में फल रख कर देती है। अपने गृहनगर छिंदवाड़ा प्रवास के दौरान फल खरीदते समय ठेला संचालक संध्या वॉशिंगटन से जिज्ञासावश पूछा कि पॉलिथिन की थैली नहीं है, तो वॉशिंगटन ने गर्व से कहा कि अब कपड़े की थैली में ही देते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पॉलिथीन और डिस्पोजल मुक्त भारत का आह्वान किया है, ये बहुत ही अच्छी पहल है। मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान के बाद ये बहुत अच्छा काम किया है। वॉशिंगटन ने बताया कि अब अधिकांश लोग अपने साथ थैला लेकर आते हैं और नहीं लाते तो उन्हें कपड़े की थैली में देती हूँ। उन्होंने कहा कि पॉलिथीन की थैलियों में मनुष्य और गाय और पशु पक्षियों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है, पशुओं की मौत हो जाती है और मनुष्यों को कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी हो रही है। वॉशिंगटन ने सभी लोगों से अपील भी की है कि जिस तरह से स्वच्छ भारत अभियान में सक्रिय भागीदारी कर शहर को स्वच्छ बनाने में सहयोग कर रहे हैं, उसी तरह अपने गांव, शहर और देश को पॉलिथिन और डिस्पोजल मुक्त बनाने में भी अपनी भागीदारी को आप सुनिश्चित करें। वॉशिंगटन जैसे छोटे छोटे लाखों दुकानदारों ने पॉलिथिन की थैलियों के स्थान पर कपड़े की थैलियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है और अब आम उपभोक्ताओं की भी ये जिम्मेदारी है कि वो सामान खरीदते जाते समय थैला लेकर जाएं और पॉलिथीन तथा डिस्पोजल का ना तो स्वयं उपयोग करें ना ही दूसरों को करने दें। स्वच्छ भारत अभियान के समान सभी लोगों की सक्रिय भागीदारी से पॉलिथीन और डिस्पोजल मुक्त भारत अभियान भी जन आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगा और वॉशिंगटन जैसे करोड़ों देशवासियों की सक्रिय भागीदारी से पॉलिथीन और डिस्पोजल मुक्त भारत का निर्माण होगा। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.